सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें। हेलो दोस्तों, माय नेम इज विकास, यू आर वाचिंग नेगा न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन के बारे में और साथ ही इस मैच में रोहित शर्मा के एक अनोखे कैच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैच की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज तो हो चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पहले टेस्ट का चौथा दिन भी हाल ही में खत्म हो गया और इस मैच में अभी भारत जीतते हुए देख रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मैच के चौथे दिन मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने काफी जलवा दिखाई दे। 323 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम 104 रनों पर 4 विकेट खो चुकी है। दोस्तों, भले ही रोहित शर्मा सुबह बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, मगर उन्होंने मैच के बीच एक इतना शानदार कैच पकड़ा जिसको देखकर मैदान में ऑस्ट्रेलिया के टीम के सभी खिलाड़ियों की भी आंखें फटी फटी रह गई। आपको बता दें कि ये बात है 24 ओवर की, जब क्रीज पर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी की 24 ओवर में चौथी गेंद पर आयोजित अश्विन ने गेंद को कुछ ज्यादा ही स्पिन कर दिया, जिसके चक्कर में उस्मान ख्वाजा ने बल्ला घुमाया तो गेंद हवा में चली गई और दौड़ते दौड़ते रोहित शर्मा ने ड्राई लगाकर जो लगभग नामुमकिन सा दिख रहा था। तो मैच की बात करें तो ये मैच लगभग भारत की झोली में दिख रहा है, मगर ये देखना होगा कि क्या भारत यह मैच जीत पाएगा या नहीं। और आपके अनुसार कोहली या रोहित शर्मा में से कौन सा फील्डर सबसे अच्छा है, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।